पत्नी जब तलाक नहीं देती है तो पति के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि बिना तलाक के वो दूसरी शादी कैसे करे। उसकी एज है जो निकलती चली जाती है, वो फंस जाता है कि यहाँ पे लाइफ में मुझे अब कुछ मिल नहीं रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, अगला पार्टनर कैसे चुनूँ, उसके साथ में कैसे रहूँ, करूँ तो क्या करूँ। तो ये जो वीडियो है, ये जो जजमेंट है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पति की इसी चिंता को दूर करने वाला है कि पति को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जजमेंट के अकॉर्डिंग पति को सॉल्यूशन मिलने वाला है, अगर पत्नी तलाक नहीं दे रही है तो वो दूसरी पत्नी कैसे रख सकता है। तो यहाँ पे यही बात इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, आप बाद में लाइक करते नहीं है तो अभी से आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन दबा के और आगे आपको बढ़ना है। तो चलिए अब इसकी डिटेल के ऊपर बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडकुड जितेंद्र और आज के वीडियो में ये जजमेंट के बारे में बताता हूँ कि मामला इस तरीके से था कि पति और पत्नी के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो पत्नी क्या करती है, पति को छोड़ के मायके चली जाती है। आती नहीं है, पति है जो काफ़ी इंतजार भी करता है कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, पर यहाँ पे काफ़ी टाइम निकल जाता है। अब पति को पता चलता है कि पत्नी तो किसी अन्य के साथ में रिलेशन में रह रही है, तो यहाँ पे पति भी सोचता है कि मुझे भी किसी के साथ में रिलेशन में रहना चाहिए। तो एक विडो औरत होती है और उसके दो बच्चे होते हैं, उसके साथ में पति है जो रहने लगता है। यहाँ पे पति का तो देखो ये इंटेंशन होता है कि उसके दो बच्चे हैं उस विडो के, और दो बच्चे पति के पास में होते हैं, टोटल चार बच्चे होते हैं। अब दोनों ये समझते हैं कि अपन दोनों जब साथ में रहेंगे तो इन बच्चों का क्या है, भविष्य सुधर जाएगा, यहाँ पे इनकी परवरिश हो जाएगी, तो इस इरादे से दोनों साथ में रहने लगते हैं। पर उस विडो के जो मायके वाले हैं, उसके जो पहले ससुराल वाले हैं, वो परेशान करने लगते हैं। तो दोनों के द्वारा फिर हाईकोर्ट जाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए वहाँ पे बात रखी जाती है। अब हाईकोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, ये पाया जाता है कि इन दोनों का इंटेंशन वो तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों का ये इंटेंशन है कि इन बच्चों की परवरिश हो जाएगी, और यहाँ पे जो पति की पत्नी है वो आ नहीं रही है, काफ़ी टाइम भी हो गया है, इस बात को भी देखा जाता है। यहाँ पे पति की गलती भी ऐसी नहीं मानी जाती है और पत्नी की भी नहीं मानी जाती है, क्योंकि दोनों का इंटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना जाता है कि दोनों का जो इरादा है वो ठीक है, ये नज़र आ रहा है। वैसे तो क्या है कि ये गलत होता है, ये गलत होता है कि अगर कोई शादीशुदा पर्सन किसी के साथ में इस तरीके से रहता है तो वो क्या है कि एक समाज के अंदर गलत मैसेज जाता है, इसलिए इसको गलत माना गया है। हाई कोर्ट ने दोनों का इंटेंशन देखा कि जो दोनों का इंटेंशन, जो इरादा है, वो बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और हाई कोर्ट ने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के SSP को डायरेक्शन दिया है कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनके साथ में अगर कोई भी गलत करता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ पे जो विडो महिला थी उसको भी एक नंबर दिए गए एक महिला पुलिस के कि यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं, अगर आपके साथ में गलत होता है तो इनको आप बता सकती हैं। तो इस तरीके से इनको सुरक्षा मिली। यहाँ पे दोनों को शादी करने की परमिशन नहीं मिली, दोनों को साथ रहने की परमिशन मिली कि आप इस तरीके से अपने इंटेंशन की वजह से दोनों साथ रह सकते हैं, लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों को सुरक्षा प्रदान की गई। तो ये मामला इस तरीके से है, पति है जो पत्नी की तरह उसको रखा, यानी कि शादी नहीं किया पर लिव इन के अंदर रहा उसके साथ में, तो वो पत्नी के रूप में ही उसको रखा। तो ये जजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके आपके केस में मिलता हुआ तो फायदा भी उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।